हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज अपे गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय अपे गुप्ता। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ, स्क्रीन पे और वीडियो के थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, हाफ ईयरली एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 11th। तो आज के टेस्ट का टॉपिक क्या होने वाला है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हाफ ईयरली टेस्ट में जो टॉपिक कवर मैं करूँगा वो टॉपिक्स कौन से हैं, सेट्स यानी चैप्टर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस यानी चैप्टर 2, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4 डिलीट है ध्यान रखना, तो उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिलेगा, चैप्टर 5 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, चैप्टर 6 यानी लीनियर इनइक्वेशंस, फिर चैप्टर 7 यानी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो ये सिलेबस होने वाला है हाफ ईयरली टेस्ट्स का जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये टेस्ट क्लास 11th के हाफ ईयरली एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है बच्चों, ताकि आप लोग टाइमली प्रिपरेशन कर पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है बच्चों। वैसे तो ये टेस्ट पेपर मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपको ये टेस्ट पेपर्स नहीं मिले हैं देन डोंट वरी, आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको भी ये सभी टेस्ट टाइम पर मिल जाएं यूट्यूब चैनल पर आने से पहले, ठीक है बच्चों। अब जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आप लोग चाहें तो हमारी मैथ मिशन सीरीज की बुक्स परचेज कर सकते हैं। इस बुक को परचेज करने के लिए फ्लिपकार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं और अपने टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट अपने हाफ ईयरली टेस्ट के दर्शन कर लेते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका हाफ ईयरली टेस्ट पेपर नंबर 1। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा पेपर बेसिकली 21 क्वेश्चंस के साथ में आएगा, जिसमें सेक्शंस ए बी सी डी एंड ई यानी 5 सेक्शंस होंगे, ठीक है। सेक्शन ए में 12 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्कर, सेक्शन बी में एक केस स्टडी क्वेश्चन होगा और एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, जिनमें 5 सब पार्ट्स होंगे और ये सब एक नंबर के होंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 2 मार्कर्स होंगे, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन जो कि 3 मार्कर्स होंगे, सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन जो कि 4 मार्कर्स होंगे। वैसे तो कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, लेकिन इंटरनल चॉइस तो यहाँ पर गिवन मिलेंगी, सेक्शन सी के एक क्वेश्चन में, सेक्शन डी के भी एक क्वेश्चन में और सेक्शन ई के भी एक ही क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आपका पेपर कैसा है। सेक्शन ए यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, यानी 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, स्ट्रेट आंसर करने वाले क्वेश्चन है, 1 या 2 या 3 स्टेप में ये क्वेश्चन आपको बड़े आराम से सॉल्व होके मिल जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। फिर इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर यहाँ पर MCQ टाइप के क्वेश्चंस, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक, ठीक है। फिर सेक्शन बी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनाया हुआ है मैंने यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आएगा आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है ना कि किसी मैथमेटिकल कंसेप्ट के बारे में हमको डिटेल दे दी जाती हैं और फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हमको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन हैं सोर्स बेस्ड में, 5 पार्ट्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, केस स्टडी में भी 5 पार्ट्स मिले थे, जिनमें से कोई से भी 4 पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने होंगे, समझे। अच्छा, फिर सेक्शन सी में यहाँ पर 2 मार्कर क्वेश्चंस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सेक्शन सी खत्म। फिर सेक्शन डी यहाँ पर 3 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों, और फिर सेक्शन ई यहाँ पर 4 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है। तो बस ये आपका टेस्ट पेपर 1 था। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं डिस्कस करूं तो मुझे कमेंट करके बताना आप लोग, बट जाओ मत, जरा वेट करो। वेट इसलिए करो कि मैं आपको टेस्ट नंबर 2 भी दिखाने वाला हूं। तो ये रहा हाफ ईयरली एग्जाम के लिए टेस्ट नंबर 2, ठीक है बच्चों। जनरल इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सेम टाइप की हैं, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलें आगे। अब देखो यहां पर सेक्शन ए
ये रहे आपके फर्स्ट फोर क्वेश्चन जो कि स्ट्रेट वन मार्कर हैं। फिर यहाँ पर देखो क्वेश्चन फाइव एंड सिक्स फिल इन द ब्लैंक टाइप के हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन एंड एट असर्शन रीजनिंग टाइप के हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेवन एंड एट असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व, ये कैसे क्वेश्चन हैं, ये आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं बच्चों। ठीक है, फिर सेक्शन बी में केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, यहाँ पर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, और इन दोनों टाइप के क्वेश्चन में आपको फाइव सब पार्ट्स मिलेंगे जिनमें से कोई से भी फोर सब पार्ट्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, ये रहा आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। फिर इसके बाद सेक्शन सी, यहाँ पर आपको टू मार्कर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों। फिर सेक्शन डी, यहाँ पर आपको थ्री मार्कर क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, फिर सेक्शन ई, यहाँ पर आपको फोर मार्कर क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है बच्चों, वंस अगेन अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं इस चैनल पर डिस्कस करूं तो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। तो बस बच्चों, अब इससे पहले कि मैं सेशन को वाइंड अप कर दूं, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।